Marvel Studios Avengers Endgame. कितने टाइम से काम कर रहा हूँ? डेढ़ साल से। मैंने चले गए थे मार्च में काम, फिर मैंने 18 अप्रैल को। इससे पहले कहाँ काम किया? उससे पहले इधर ही खुदरा। किसी पुलिस वाले के घर भी काम किया? किसके? वहाँ से फिर मैंने इधर आ गया, बिलासपुर आ गया, डी एस पी साहब। फिर मैंने गाँव चले गए, फिर रखा। कल क्या हुआ, कल कैसे गया तुमने? कल मैंने सारे दिन काम किए। काम के लेके बाद फिर मैंने पूछा भाभी रोटी बनाऊँ, तो बोला आप भी नहीं, जब आएंगे तब बना। मैं बोला भाभी मेरे को भूख लगा, मैं बना लूँ अपना रोटी। बोला नहीं मैं खाया नहीं, आप खा लोगे? हरदम डंगर के जैसा चाँ चाँ करते रहते हो खाने के लिए। मैंने पूछा किससे मारा? कौन सा? कितने मार किए? देखिए इतनी सी बात पे आपने मर्डर कर दिया, जहाँ कोई और बात थी तो पछतावा नहीं है इस बात का? पहले प्लानिंग की थी इसके लिए? नहीं। अगर खाना नहीं मिलता था तो नौकरी कहीं और क्यों नहीं की, छोड़ी क्यों नहीं यहाँ से? कोई जबरदस्ती आता मेरे को ऐसा यहाँ फंसा? कोई जबरदस्ती भी की तूने? नहीं। चाकू लेके गए थे पहले से प्लानिंग की थी आज मारने? नहीं, मैंने किचन जो जंगल के नाम बोला था। कपड़े कहाँ किए फिर वो? जी? कपड़े जो कपड़े थे तुमने मारा जिस टाइम, उसके बाद कपड़े क्या किए? मैंने जाके धो दिए। मिसिज रोजी का जो कल मर्डर हुआ उसमें हमने चार टीमें गठित की थी, जिसमें एक टीम सीरियल टू की जो इंस्पेक्टर श्री भगवान जी के नेतृत्व में बनाई थी, उन्होंने इसको सुलझाने में सफलता हासिल की। और मिसिज रोजी का मर्डर उनके घर के नौकर विलेट पासवान उर्फ राजेश द्वारा किया गया। तो मिसिज रोजी घर पर अकेली थी, उनके हस्बैंड और उनके ससुर अपने कारोबार पे अपने काम पे चले गए थे, नौकर उनके साथ घर में काम में हाथ बटाता था, तो वो घर पे छोटा बच्चा मिसेज रोजी और घर पे नौकर ही थे। तो उस नौकर नहीं, नौकर जो बता रहा है कि मैं डेढ़ साल से करीब यहाँ हूँ और जो मिसेज रोजी मेरी मालकिन थी, मैं उनको मुझे खाना कम देते थे कि मुझे इसकी कुंठा बन गई थी। मैंने उनको बार बार कहा कि मेरा पेट नहीं, खाने से मेरा पेट नहीं भर रहा है भाभी, मुझे खाना कम मिला। और उसके बाद पीछे मार्च में मेरे फादर की डेथ होगी, मैं गया था 19 अप्रैल को दोबारा आया, तो मुझे घर वालों ने बोला था कि अब तू तीनों टाइम अपने खाने में से एक रोटी कुत्ते को भी डालेगा। फिर मेरा एक रोटी मैं सुबह दोपहर और शाम डालता था, तो मेरा खाना और भी कम हो गया। मैंने कल भी 10 बजे कहा कि भाभी मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं पेट के लिए इतनी दूर आया हूँ, तो मुझे खाना कम मिल रहा है। मैंने 10 बजे खाना खाया, फिर मुझे 1:30 बजे भूख लगी। जब मैं दोबारा आके बोला कि मुझे भूख लगी है खाना बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आएंगे 1.5 घंटे बाद, फिर खाना बनाएंगे। और उससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं सोचता रहा कि इस बात का क्या करूं कि मैं सारा दिन काम करता हूं और मुझे भरपेट खाना नहीं देता। गुस्से में मैं किचन में गया, वहां से मैंने चाकू उठाया और मेरी मालकिन मिसेज रोजी बेड पे फ़ोन में कुछ गेम खेलने में बिजी थी। मैंने लेफ्ट हैंड से उनकी गर्दन पकड़ के राइट हैंड से उनका गला काटा। उसने कहा कि मैंने जो चाकू था वो लगा के गला रेतने के लिए 2-3 बार प्रयास किया, एक ही घाव था जिससे उनकी मौत हुई। अभी हमने इसको अरेस्ट किया, हम इसका रिमांड लेंगे, इसमें सभी पहलुओं पे हम इसकी जांच कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है,
और इसकी गहनता से इससे पूछताछ करके अगर कोई और बात सामने आती है तो उसका खुलासा करें। सर उसके कपड़ों को अभी हम कब्जे में लेंगे और उनको लैब में भेजा जाएगा, तो उससे वो रिपोर्ट आ जाएगी उनकी। लेकिन इसने माना है कि जो मैंने कपड़े पहने हुए थे उन पर ब्लड लगा हुआ था और मैंने वो धो के वहीं सुखा दिया। देखिए उस परिवार में एक लौती बहू थी और बहुत ही अच्छा परिवार था। वो इतने ज़्यादा विचलित हैं, अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि इसने फ़ोन किया कि उन्होंने फ़ोन किया। अब जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम हमें मिलेगा वो बातें भी क्लियर। इसने ऐसी कोई बात नहीं मानी है, हमने डॉक्टर को मेडिकल में क्लियर करने के लिए लिखा तो मेडिकल रिपोर्ट का हमें इंतजार है, लेकिन ये स्ट्रांगली रिफ्यूज कर रहा है इस बात से कि ऐसा करना तो बहुत पाप था और ये तो मेरे लिए बहुत पाप की बात थी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। ये मुझे लड़का थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइकिल टाइप भी है। वो अभी हम चेक करवा रहे हैं, ये बिहार मधुबनी का रहने वाला है, हम वहाँ भेजेंगे, इसके सारे रिपोर्ट पता करेंगे। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो चलती रहेगी, अभी तो इसकी अरेस्ट हुआ। हाँ, इन्होंने बताया कि मैं इनके घर में 1.5 साल से करीब नौकर था, उसके पहले वहाँ हिजराबाद थ्रेशर के नौकर था, उसके पहले भी कहीं बिलासपुर इसने चली। ये अभी तक इसने खुलासा नहीं किया इस बारे में।